डियर फ्रेंड, आपके सामने लेकर आ गए हैं हार्बर एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, जिसका कोड ये है। उसके एमसीक्यू देख रहे हैं और यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट हो रहा है एमसीक्यू ऑफ एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, जिसमें आज देखने वाले हैं जनरल टॉपिक। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 है जनरल टॉपिक, और जनरल टॉपिक से रिलेटेड हम देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन, किस किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। अप्रॉक्सीमेट 22 क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे, और आपको अगर एक बार वीडियो देख लेते हो तो कम आपको आइडिया रहेगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, कि ताकि आपको आइडिया रहे और इस तरीके से आप इसको बेटर बना सकें, सूटेबल बना सकें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं और एक एक क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि कैसे एयरपोर्ट से रिलेटेड, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में जनरल किस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं और अदर चैप्टर्स जो आपके सामने आएंगे उनके क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, इसके आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देता हूँ मैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर था, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ICAO। ICAO ये फुल फॉर्म है, तो इसका आई से इंटरनेशनल है, सी से सिविल, ए से एविएशन और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। और ये बता रहा है इंटरनेशनल में, यहाँ पर बता रहा है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म याद रख सकते हैं, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखिए, विच नॉट एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ICAO। मतलब यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं और चारों में से आपको ये बताना है कि ICAO जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके एम और ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा नहीं है, नॉट की बात कर रहा है, बाकी सब हैं। ठीक है, और ऑप्शन में भी देख सकते हैं तो सिंगल की बात दिया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई एक नहीं है, बाकी सब हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पहला दिया है एनश्योर सेफ ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन, सही बात है, इंकरेज आर्ट ऑफ क्राफ्ट प्लान डिजाइन, मैनेज 126 एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, नहीं इसकी बात ही नहीं, इंटरनेशनल की बात कर रहा था ये, सिर्फ मैनेज 126 एयरपोर्ट इन इंडिया इसकी बात नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, ये थर्ड गलत है, थर्ड किस में गलत हो रहा है, थर्ड वाला तो ये राइट है। चौथा भी देख लेते हैं कि क्या चौथा बोलता है, जो इसके लिए है ऑब्जेक्टिव है, डेवलप स्टैंडर्ड एंड रिकमेंडेशन फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन एयर ट्रैफिक सर्विस नॉइज, ये सब कुछ ICAO का ऑब्जेक्टिव या एम्स हैं। थर्ड नंबर देख सकते हैं AAI का फुल फॉर्म यहाँ पर बताना है, AAI, तो AAI का फुल फॉर्म है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द फुल फॉर्म ऑफ AAI। नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ AAI बताना है यहाँ पे, फंक्शंस ऑफ AAI क्या है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, इसमें से भी आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो पहला है मैनेज 126 एयरपोर्ट, नहीं ये फंक्शंस नहीं है। सेकंड प्रोवाइड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सर्विस ओवर, ये भी नहीं है। प्रोविजन फॉर विजुअल एड्स, नहीं है ये भी। ठीक है, ऑल ऑफ द एबो, तो सब हैं। ठीक है, तो सब हैं, इसका मतलब कि यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बता रहा है डी, तो डी ऑप्शन को बताने का मतलब ऑल ऑफ द एबो, यहाँ पर जितने भी ऊपर हैं सब के सब क्या हैं, राइट हैं। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि AIA के अंडर में बाकी सभी आते हैं, AIA के अंडर में बाकी सभी आते हैं। ठीक है, ये चीज़ें पॉइंट ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए, फुल फॉर्म ऑफ DGCA। DGCA क्या होता है, DGCA, तो DGCA जो है वो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। सिक्स नंबर देखेंगे, एयरपोर्ट मीन्स एनी एरोड्रोम एट विच परमानेंट कस्टम एंड इमिग्रेशन फैसिलिटी आर प्रोवाइडेड, तो है ट्रू, सही बात है, क्या है, ट्रू है। सेवेंथ, एयरपोर्ट रनवे हैविंग लेंथ मोर देन 2100 मीटर एयरपोर्ट टाइप एज पर ICAO, किस टाइप का, ICAO के अकॉर्डिंग किस टाइप का ये एयरपोर्ट होगा, तो होगा ए टाइप का। ठीक है, ए टाइप का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एट नंबर, मेन बॉडी ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट का जो मेन बॉडी होती है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है फ्यूजलेज बोला जाता है, एयरक्राफ्ट का मेन बॉडी जो होता है उसको फ्यूजलेज बोला जाता है।
नाइन देख सकते हैं, पिचिंग ऑफ एयरक्राफ्ट इज कंट्रोल बाय, पिचिंग ऑफ एयरक्राफ्ट कंट्रोल बाय किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो एलिवेटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। पिचिंग ऑफ एयरक्राफ्ट इज कंट्रोल बाय एलिवेटर, एलिवेटर के द्वारा कंट्रोल होता है। टेन देख सकते हैं, एलरोन इन एयरक्राफ्ट हेल्प्स टू कंट्रोल रोलिंग, रोलिंग को कंट्रोल करता है रोलिंग। इलेवन देख सकते हैं, याइंग इन एयरक्राफ्ट इज कंट्रोल बाय रडर, रडर के द्वारा ये याविंग और इनक्राफ्ट में कंट्रोल होते हैं। 12 देख सकते हैं, एलिवेटर कंट्रोल, एलिवेटर कंट्रोल्स किसको, पिचिंग को, अभी इसके पहले ही क्वेश्चन देख चुके हैं पिचिंग को, ठीक है, एलिवेटर कंट्रोल करता है पिचिंग को। रडर कंट्रोल, देखो वही उल्टा घुमा फिरा क्वेश्चन बोलता है, रडर किसको कंट्रोल कर रहा है, तो याविंग को, ये तो क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा इसमें दिया है। रोलिंग किसको कंट्रोल करता है, तो एलरोन को, एलरोन को, एलरोन को, ये देख सकते हैं। आगे पीछे घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया, टर्निंग रेडियस ऑफ एयरक्राफ्ट डिसाइडेड बेस ऑन द डायमेंशन ऑफ, तो व्हील बेस को, व्हील बेस याद रखेंगे, टर्निंग रेडियस ऑफ एयरक्राफ्ट डिसाइडेड बेस ऑन द डायमेंशन ऑफ व्हील बेस। 16 देख सकते हैं, मिनिमम सर्कल रेडियस इज, देयर इज अ सर्टन मिनिमम रेडियस विथ विच द एयरक्राफ्ट कैन टेक टर्न इन स्पेस, वो है सर्टन मिनिमम रेडियस विथ विच हम द एयरक्राफ्ट कैन टेक टर्न इन स्पेस, ये याद रख सकते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं बस ये याद रखेंगे, आपको आइडिया मिल जाएगा। 17 नंबर देखिए, मिनिमम टर्निंग रेडियस इज, मिनिमम टर्निंग रेडियस इज क्या है, मिनिमम टर्निंग रेडियस वो है, इट इज़ डिस्टेंस ऑफ फर्दर विंग टिप्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन। 18 नंबर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FAA, तो FAA फुल फॉर्म जो है वो है फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। 19 देख सकते हैं, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो क्या है, ऑल ऑफ द एबो, ऊपर के सभी राइट हैं। मिनिमम टर्निंग रेडियस ऑफ एयरक्राफ्ट डिसाइडेड द साइज ऑफ द एप्रॉन एंड द रेडियस ऑफ द कर्व ऑफ टैक्सी एंड, दूसरा बी है टेक ऑफ एंड लीडिंग डिस्टेंस फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट डिटरमाइनिंग द मिनिमम रनवे लेंथ, द लेंथ ऑफ द नॉर्मल हॉल ऑफ एयरक्राफ्ट डिसाइडेड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन, ये चीज़ें किस में आ जाती हैं, करेक्ट स्टेटमेंट में हैं, ठीक है, एयरक्राफ्ट के लिए। जीरो फ्यूल वेट ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज इक्वल टू सम ऑफ एम्प्टी ऑपरेटिंग वेट एंड द मैक्सिमम पे लोड, ये बताता है। ट्वेंटी वन देख सकते हैं, बियरिंग ऑफ द रनवे ऑफ थ्रेशोल्ड इज 290 डिग्री, द रनवे नंबर इज 29 डिग्री, 29 डिग्री ये ध्यान रखेंगे, थ्रेशोल्ड 290 डिग्री है तो द रनवे नंबर इज 29 डिग्री। एज पर ICAO द मिनिमम बेसिक रनवे लेंथ फॉर ए एंड ई टाइप ऑफ एयरपोर्ट विल बी, तो वो होगा आपका 2100 से लेके 600 मीटर तक, ठीक है। तो ये था आपका जनरल का कंप्लीट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा एयरपोर्ट प्लानिंग, एयरपोर्ट प्लानिंग से रिलेटेड, तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू।